वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज अनदर वन। इसको देखते हैं हम द्वार शाखा वास्तुखंड पर कलाकृति की गई है, वो आप देखिए। दिस इज द्विभुजी गणेश, दिस वन स्तंभ, सिंपल भारवाहक वाला स्तंभ। चतुर्भुजी कुबेर, दिस वन रथिका में गणेश, दिस वन ध्यान मुद्रा में जैन तीर्थंकर बूढ़ी चंडी जी से इसको प्राप्त किया गया जैन तीर्थंकर। लेडी स्टैंडिंग या कैप इन द ग्लास केस, प्रोबेबली यू कैन नॉट सी देम प्रॉपरली। मेडिवल स्कल्पचर्स ऑफ अप्सरा, ये अप्सराओं का है, मध्यकालीन जो स्कल्पचर थी अप्सराओं को इस तरह से बनाया जाता था। और अब यह है अभिलेख 10वीं शताब्दी का, चंदेरी से प्राप्त हुआ। सी डिटेल, मालवा सुल्तान का नाम ज्ञात है। इस अभिलेख में मोहम्मद के पुत्र जहीरुद्दीन मोहम्मद द्वारा एक इमारत बनाने का जिक्र है। यह है मोहम्मद के पुत्र जहीरुद्दीन मोहम्मद ने एक इमारत बनाई थी, इसके बारे में डिटेल है। और ये अभिलेख है यहाँ पर अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये भी स्तंभ के लिए चंदेरी से प्राप्त हुआ। अभिलेख है ये प्राप्त स्थल चंदेरी, कब्र के ऊपर पुराण में कुछ आयतें लिखी हुई है, ये यहाँ पर देखिए कब्र में आयतें लिखी हुई। सो हु कैन रीड ओनली ही कैन डेसिक्रेट, कब्र का पत्थर है ये। ये भी अभिलेख पठ है प्राप्त स्थल चंदेरी से। फारसी भाषा तथा नस्क लिपि में लिखे सिलाई मालवा के सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा मस्जिद के निर्माण का उल्लेख है। सीधी अभिलेख मस्जिद के निर्माण का उल्लेख है इसमें। द्वारपाल फर्स्ट से आउटसाइड देन विल गो इनसाइड, दिस इज आल्सो द्वारपाल। देन दिस फाइनल ये अभिलेख पर प्राप्त सिल फतेहाबाद चंदेरी चंदेरी से मिला है। भगवान कृष्ण का मंदिर निर्माण किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। देन हियर इट इज अभिलेख 1100 संवत पूरी चंदेरी से मिला है। शिलालेख श्री रामपाल देव के काल का है, कोई राजा थे रामपाल देव उनके काल का ये शिलालेख है। ये व्याल पूरी चंदेरी की, this one also we are Bodhi Chandri. So let us see inside also. This is the horizontal column of Jain Tirthankars. This one also Jain Tirthankars. And this one also Jain Tirthankars. You see, can see this line to line dot jam. I think they are the treated. Okay, now let's go inside. Ashtabhuji Shiv. This is Ashtabhuji Shiv. Lady standing. Ardhanarishwar Budi Chanderi. Se prapt hua hai. Chaturbhuji Shiv Budi Chanderi se prapt hua hai. Shiv Budi Chanderi se prapt hua hai. पार्वती पूरी चंदेरी 11वीं से 12वीं शताब्दी वास्तुखंड के मध्य चामुंडा। सो दिस इज द चामुंडा स्कल्पचर। आई वाज वंडरिंग व्हाट इज दिस स्कल्पचर इज नाउ। नृत्यरत शिव, शिव डांसिंग शिव। देन वास्तुखंड पर पार्वती, दिस इज पार्वती। And this one,
चतुर्भुज कार्तिकेय फ्रॉम गुड़ी चंदेरी गजासुर संहार सीपीएल 10th to 12th century गजासुर संहार नटराज फ्रॉम गुड़ी चंदेरी चतुर्भुज शिव दिस इज चतुर्भुज शिव दिस इज दुर्गा स्तंभ के चतुर्दिक भारवाहक ज्यादा भारवाहक मॉडल से गणेश का वास्तुखंड पर चित्रण दिस इज गणेशा चतुर्भुजी गणेश दिस वन इज चतुर्भुजी गणेश देन पार्वती फ्रॉम बूढ़ी चंदेरी देन नृत्यरथ गणेश दिस इज नृत्यरथ गणेश देन गणेशा वास्तुखंड में नृत्यरथ गणेश and this is Vaishnavi from 10th to 12th century Budi Chanderi then Shiv Dwarpal this is Shiv Dwarpal then Mithun Yugal Budi Chanderi se Mithun Yugal ka sculpture prapt kiya hai then Apsara this is Apsara then this one Budi Chanderi se Pratika mein Shiv चतुर्भुज शिव मिथुन युगल गुड़ी चंदेरी शी इज होल्डिंग द बियर्ड ऑफ द हस्बैंड देव पुरुष फ्रॉम 10th सेंचुरी गुड़ी चंदेरी शाखा This one also Dwarshaka, obtained from the Budi Chanderi. See here also, entablature, chain Tirthan cross standing, and here it is Saptamatrika Patal. चामुंडा इंद्राणी वराही वैष्णवी कुमारी पार्वती ब्राह्मणी के दोनों परमेश्वर वीरभद्र दाहिनी और बाईं हो रहे इसे सप्तमात्र का देवी सरस्वती का चित्र है यह शहजादी के रोजा का अभियांतर भाग है शहजादी का रोजा जो यहाँ पर स्थित है उसका भाग है नौखंडा मल चंदेरी दुर्ग ये पुराना रेस्टोरेशन से पहले का चित्र है लेट्स गो अपसाइड These are the columns, pillars. These are also columns. Go inside. The important tourist spots in India, ke World Heritage Monuments, Qutub Minar, Agra, Fatehpur Sikri, Buland Darwaza, Agra Fort, Sahakari Masjid Champaner, Iron Bedis from medieval period. बेड़ियाँ डाली जाती थी हाथ में और इस तरह की हुआ करती थी आयरन बेड़ी फ्रॉम मिडिवल पीरियड तो यहाँ पर चंदेरी में काफ़ी बेड़ियाँ डाली गई होंगी इसलिए इतनी सारी बेड़ियाँ यहाँ पर मिली हैं सोचिए इनको तोड़कर आदमी कैसे भाग सकता है और ये हैं आयरन लॉक्स और ऑब्जेक्ट्स आयरन के बने हुए मुजफ्फर अली कतले कल्ले भाई द्वारा प्रदान कलाकृतियाँ दीज आर द वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स पत्तडकल अंदरिया महादेव बुद्धिस्ट सांची बुद्धेश्वर टेम्पल तंजावुर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स महाबलीपुरम दीज आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ लेट मिडाइवल पीरियड 19th सेंचुरी चंदेरी ये अलग अलग आभूषण हैं जो चंदेरी से प्राप्त हुए हैं दीज आर द कुंवर पदम सिंह चौधरी भाइयों द्वारा प्रदान कलाकृतियाँ ये तलवार और बंदूकें ये कुंवर सिंह भाइयों ने दी है देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट्स भीम बैठका एलोरा केव्स अजंता केव्स एलिफेंटा केव्स सो व्हाट इज हियर दीज आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ लेट मिडाइवल 19th सेंचुरी द
these are the ports, late medieval ports, 19th century Chindi sculpturing is there. Heads of the Jayantirthankaras, see the different heads with different emotions on their face and the different features of nose, eyes and lips. Then here are the miniature Shikhar, Jayantirthankar, then this Saraswati seated in Lalitasan, standing male in Tribhunga, stone head of male deity, Devi Ambika ki baithi hui avastha, then stone head of male deity, Apsara, Pashvanath, stone head with Jata, Mukut Shiva, Jayantirthankar in Padmasan, and female deity from Budi Chandeli. ये देखिए बुनाई की सामग्री, रेशम तकी, मर्सराइज किनारा, जरी किनारा, कापर करी, गोल्डन करी, जरी करी, तिल्ली जरी, पूना रेशम किट्टी, विमल मर्सराइज वाना, पूना रेशम मर्सराइज वाना, चमकी कतान रेशम दाना, किनार पूनम पूना रेशम, और ये मॉडल ऑफ हैंडलूम, क्योंकि चंदेरी की साड़ियाँ काफ़ी फेमस है. समृद्ध धरोहर यहाँ की बुनाई कला, रिच हेरिटेज ऑफ चंदेरी इज वीविंग आर्ट. तो ये यहाँ की साड़ियाँ हैं जो काफ़ी फेमस है. नाउ सी द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ये तोप की गोली है, छोटी छोटी गोली है, फिर ये छोटा गोला है उससे बड़ा गोला, फिर तोप के गोले के टुकड़े हैं ये, और ये तोप के गोले हैं बड़े, फिर छोटे और फिर छोटे. ये सब तोप की गोले हैं जो तोप में प्रयुक्त किए जाते थे. इसके बाद ये पैलियोलिथिक टूल्स हैं जो काटने, चीरने, फोड़ने, तोड़ने के काम ये पैलियोलिथिक टूल्स आते थे. वेरेवर एक्सक्रीमेशन में ये मिले, ये हम यहाँ पर ला के रख दिए गए. मुजफ्फर अली कल्ले भाई द्वारा प्रदान कर लिए. पवित्र कुरान, ये पवित्र कुरान है, ओरिजिनली हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट ऑफ होली कुरान. This one also small whole Quran. Delhi Sultan Ibrahim Shah Lodi Tanka Mint Chanderi. तो Ibrahim Shah Lodi के द्वारा जो सिक्के बनाए गए थे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं. भारतीय सिक्कों पर देवी देवताओं का डिटेलिंग है, और क्या आप जानते हैं, ये देखिए आप, ये विदेशी मुद्राएँ हैं. For this you have time, you have the most of the time. मुजफ्फर अली कल्ले भाई द्वारा प्रदान कलाकृतियाँ, देखिए सोने में वैभव. देन कॉपर कॉइन्स ऑफ मिडाइवल पीरियड, पंच मार्क सिल्वर कोटेड कॉइन्स रिगार्डिंग द कॉइन्स. देन कॉपर कॉइन्स ऑफ मुगल पीरियड एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ सल्तनत पीरियड, यू कैन सी रीड इट. देन देर आर मध्यकालीन भारत की मुद्राएँ, कॉइन्स ऑफ मिडाइवल पीरियड, देन अगेन द इम्पोर्टेंट information. So these are the sculptures sitting and standing here also. This is the Vastu Khand with different sculptures. Another Vastu Khand, Budi Chandeli, obtained from the Budi Chandeli. And this one also Vastu Khand, obtained from Budi Chandeli. And this one also from Budi Chandeli. Dwarasthambh from Budi Chandeli. Dwarasthambh again from Budi Chandeli. Budi Chandeli. This again also from Budi Chandeli. Vastu Khand. These are the pillars with the sculptures on them. You can see. Again, Dwarasthambh door jamb. This again, so door jamb. Again, door jamb. Again, door jamb. Again, you can see. Again, jamb. Are put in one place. They are almost have the same design.
Chaturbhuji Ganesh. And this is Chaturbhuji Ganesh at a city's also. This pillar also have the sculptures. And this one. These are the maps. This is prior to partition, India during British period, expansion of British power 1766 to 1857, disintegration of Mughal Empire, then Aurangzeb's Empire 1605 to 1707, India Empire of Akbar 1506 to 1605, Sur's and early Mughals 26 to 55, later Sultanate period 1390 to 1526, Khalji and Tughlaq Empire 1290 to 1390. Ghazni with Ghurids and Rajput State 975 to 1290 AD. Gurjara, Pathar, Palaz, Rashtrakuta 700 to 975. Gupta, Vakataka is 300 to 550 AD. Kushana, Western Shakas and Satvanas Empire 1 to 300 AD. Then Mauryan Empire 321 BC to 181 BC. The age of Mahajanapadas 800 to 321 BC. Alexander's campaign. Then Vedic India from early times to 800 BC. And this one is the Tirthankar Dhyan Mudra. Again, many Tirthankaras idols are kept here. Those who know the inside detailing, they can only differentiate the different Tirthankars. Otherwise, it seems to a generalist as all are similar. जैन तीर्थंकरास तीर्थंकर कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर कायोत्सर्ग मुद्रा में एंड तीर्थंकर कायोत्सर्ग मुद्रा में और वी सी दिस आल्सो दिक्पाल कुबेर दिस इज द स्कल्पचर ऑफ दिक्पाल कुबेर दिस वन चतुर्भुजी दिक्पाल दिस इज चतुर्भुजी दिक्पाल एंड दिस इज आल्सो डोर जैम can see. Then in brown stone, Dikpal, this is door jam. Again Dikpal. And three sides, deity is there. This again Mahavira, Jain Tirthankars. See the detailing. In the brown stone. Now let us go inside. Guys, with this, we end this vlog. Bye.